नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रजेश की बात में आपका स्वागत है। रूस ने कल ऐलान किया था कि वो यूक्रेन से सेना हटा रहा है और युद्ध के बादल छटते नजर आए। ऐसा लगा दुनिया जो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे थी अब चैन की सांस लेगी, मगर सच्चाई कुछ और ही निकली। रूस के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद नेटो हरकत में आई और उसने दो महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला कि रूस झूठ बोल रहा है और उसने अपनी कोई सेना वहां से नहीं हटाई। दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण था कि नेटो ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को कहा है कि वो सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न यूरोप में नए कॉम्बैट यूनिट्स बनाए। नेटो का कहना है कि रूस यूक्रेन के आसपास वाले इलाकों में सेना हटाने की जगह और सेना भेज रहा है। इसके अलावा एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि रूस लगातार सैन्य एक्सरसाइज कर रहा है और पूरे फरवरी युद्ध का खतरा बरकरार है। कॉम्बैट यूनिट या बैटल ग्रुप्स को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी या स्लोवाकिया में सेटअप किया जाएगा। राजनयिक के अनुसार नेटो के मिलिट्री पोस्चर का ये अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट होगा। इससे पहले नेटो ने यह तब किया था जब उसने सेना को बाल्टिक्स और पोलैंड में भेजा था, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को 2014 में एनेक्स किया था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर्स ने यह निर्णय लिया है कि हम ऐसे और ऑप्शंस तलाशेंगे जिससे नेटो के डिफेंस और डिटरेंस और मजबूत होगा, जिससे सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूरोप में नए बैटल ग्रुप्स बनाना शामिल है। हालांकि स्टोल्टेनबर्ग ने डिप्लोमेसी को पूरी तरह खारिज नहीं किया, मगर सीधे सीधे रूस के सेना की वापसी के दावे को चुनौती दी। उधर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट क्रिमियन पेनिसुला से जाते हुए दिख रहे हैं। नेटो ने 4 मल्टीनेशनल कॉम्बैट यूनिट, जिसकी कुल संख्या 5000 है, उसे पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया में रखा है, जिसकी अगुवाई अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन कर रहे हैं। इन्हें इस तरह से डिप्लॉय किया है कि यदि फ्रंट पर भेजना पड़े तो वो आपके लिए अतिरिक्त समय ले सकते हैं। राजनयिक का यह भी कहना है कि इसके अलावा नई 4 यूनिट्स, जिसमें कुल 4000 सिपाही होंगे, उन्हें रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में रखा जाएगा। फ्रांस ने रोमानिया यूनिट को लीड करने का ऑफर पहले ही दे रखा है। नेटो के 4000 सैनिकों के डिप्लॉयमेंट को रूस के उस सिक्योरिटी डिमांड के विपरीत देखा जा रहा है, जिसमें रूस ने यह मांग की थी कि ईस्टर्न यूरोप से एलाइज अपने सारे सैनिकों को हटाए। हालांकि नेटो का यह कहना है कि 4000 सिपाहियों की तुलना रूस के 130,000 सिपाहियों से नहीं की जा सकती जो उसने यूक्रेन के चारों तरफ लगा रखी है। नेटो का यह कहना है कि यहां पर फौज का जमावड़ा हमेशा के लिए नहीं होगा, बल्कि एक परसिस्टेंट प्रेजेंस रहेगी जो लगातार बदलती रहेगी, और इसका इस्तेमाल तब होगा अगर रूस किसी सहयोगी देश में घुसपैठ करेगा। नेटो के सीनियर डिप्लोमेट ने कहा है कि इससे हमें यह फायदा होगा कि जब हम एक्सेलरेट करना चाहें तो उसे तुरंत कर सकते हैं, और यदि रूस यूक्रेन से पीछे हटेगा तो हम पीछे हट सकते हैं, और इससे हम अपने ईस्टर्न फ्लैंक को और मजबूत कर सकेंगे। ब्रजेश की बात में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।